सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बेटा आंखें खोल, बेटा बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा आंखें खोल, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। बाहर आके खोल बेटा, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा बेटा आके खोल, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। बाहर आके खोल बेटा। आगे रुकिए सिस्टर, कुछ कीजिए प्लीज, मेरे बेटे को बचा लीजिए, बहुत खून बह गया सिस्टर। देखिए आप घबराइए मत, हम ऑपरेशन की तैयारी चालू करते हैं। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो एक दूसरे ऑपरेशन में, वो जैसे ही आएंगे तुरंत इनको ऑपरेशन चालू कर देंगे। अरे इन सब चीजों में तो बहुत टाइम निकल जाएगा, कोई और डॉक्टर नहीं है क्या सिस्टर? डॉक्टर शेखर हमारा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऐसे केसेस वही देखते हैं। आ गए डॉक्टर शेखर। क्या केस है? एक्सीडेंट केस है, हेड इंजरी, बहुत। डॉक्टर शेखर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए सर, एक्सीडेंट में बहुत खून बह गया है, बहुत देर हो गई यहाँ लाए हुए। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। चल डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? बाहर ठीक तो है ना? I'm really sorry. हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए, एक्चुअली बहुत खून बह गया था। देखिए आप संभालिए अपने आप को। तूने मेरे बेटे को मारा डॉक्टर शेखर, मार दिया। उसने सबसे बोल रहा था कि खून बह गया है, बहुत देर हो गई है, लेकिन तूने नहीं सुना। अब तुमको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा डॉक्टर शेखर, तुझे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा डॉक्टर शेखर। यार बहुत टेंशन हो रही है यार। अरे क्यों ले रहा भाई तू टेंशन, पागल हो गया क्या? कोर्ट के रिजल्ट कल आने वाले, बता मैं क्या करूं? भाई देख, तेरे से कम 20% कम ही आने वाले हैं मेरे, ठीक है? मैं टेंशन ले रहा हूं क्या? क्योंकि तेरी माँ तेरे को दबाव नहीं डालती रिजल्ट के लिए, और मेरे पापा को तो जानता ही है, अगर 90% से कम आए ना पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। ए यार तू सोचता बहुत है, चल क्लास के लिए चल। यार तू एक काम करना, तू क्लास में चल, मैं भी आता हूँ। सही है बेटा, सही है, चल बात कर ले, थोड़ा बेटर फील करेगा। नेहा हाय। तुम जाओ मैं आती हूँ। बोलो नेहा, क्लास के बाद मिल सकते हैं कहीं पे थोड़ी देर? आयुष, राघव भैया ने तुम्हें चेतावनी दी है हमसे दूर रहने के लिए, हम नहीं मिल सकते, अगर उन्हें पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। नेहा प्लीज, कहीं बाहर मिल लेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा। आयुष तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हम नहीं मिल सकते। नेहा हेलो राघव भैया। यार नेहा बात ही नहीं कर रही है। क्यों क्या हुआ? पता नहीं गुस्सा होती रहती है। अरे बात करेगी, थोड़ा टाइम देना उसे, करेगी। क्या बे सुधरेगा नहीं ना तुम? क्या क्या किया मैंने? सड़क क्लास के बाहर मेरी बहन से बात कर रहा था ना वो मैं। अरे अरे क्या क्या कर, क्या क्या कर रहे हैं? देखो मैं भी हाथ उठा सकता हूँ। मुझ पे हाथ उठाएगा बेटा? अभी तो हाथ उठाया है, किसी दिन दुनिया से उठा दूंगा साले तेरे को। कुछ नहीं करेगा भैया, गलती होगी, नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, समझा ले इसे। साले आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी दिखाना, या उससे बात भी की काट डालूंगा तुझे, समझ गया ना? नहीं 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 दिखेगा भैया, नहीं दिखे, समझा इसे। चल रहे बड़ा आया काम तमाम करने वाला। ते क्या कर रहा है यार तू, तू नेहा से दूर रह यार, उसका भाई राघव पागल है, कुछ भी कर सकता है। अब तू पढ़ाई पे ध्यान देना यार, एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा ना, नेहा से अच्छी लड़की मिलेगी भाई तुझे। तू तो मत देना पढ़ाई पे ज्ञान, मेरा बाप का भी नहीं है, सुबह शाम पढ़ाई का प्रेशर देते रहते हैं, और कसम से मैं सोचता हूँ उस घर में पैदा ही क्यों हुआ। अरे सुनना आयुष, आयुष यार, आयुष आयुष बेटा बाहर आ जाओ, आयुष आयुष
आयुष में कब से आवाज दे रही हूँ, सुनते क्यों नहीं हो? मम्मी देख रही हूँ ना, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं और कोचिंग का प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करना है। आयुष ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन बेटा खाना खाना भी तो जरूरी है। तूने शाम से कुछ नहीं खाया, चल खाना खा ले। अरे मम्मी खा लूंगा ना, अभी पढ़ाई कर लूँ, अब पापा आएंगे ना उनके साथ में खा लेंगे बस। ठीक है। सबको देर। अरे क्या हुआ बताएंगे क्या, क्या हुआ? अरे यार लोगों को लगता है डॉक्टर जानबूझ के किसी की जान लेता है, पर हम लोग भी तो इंसान हैं, भगवान थोड़ी हैं। अब कौन डॉक्टर चाहेगा कि वो किसी को बचाने में नाकामयाब हो जाए, लेकिन ये बात लोगों को समझाए कौन, उन्हें लगता है कि सारा दोष डॉक्टर का ही है। आखिर हुआ क्या है बताएंगे भी? आज एक 18 साल के लड़के की हमारे अस्पताल में मौत हो गई, एक्सीडेंट का केस था, खून बहुत ज्यादा बह चुका था तो बचता कैसे, लेकिन उसका बाप ये बात मानने को तैयार ही नहीं, पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया उसने। इतना ही नहीं, मेरा कॉलर पकड़कर मुझे धमकाने लगा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जाने दीजिए, आप परेशान मत होइए, उन्होंने अपना बच्चा खोया है, शायद इसीलिए आपा खो दिया होगा। आप परेशान मत होइए, अपना मूड खराब मत कीजिए, जाइए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा दूं, जाइए। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस कैसी चल रही है? सही चल रही पापा। कल तुम्हारा 12th बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है ना? जी पापा। 95% तो आ जाएंगे ना? क्या हुआ, नहीं आएंगे? नहीं नहीं पापा, आएंगे ना, बस 1-2% ऊपर नीचे। 1-2% ही ना? जी। इससे कम नहीं आने चाहिए आयुष, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 90% मार्क्स चाहिए, जानते हो ना तुम। आयुष बेटा, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम वक्त है, इसे आज तुम जैसा बनाओगे ना, कल ये तुम्हें वैसे ही मुकाम पे पहुंचाएगा, इसलिए इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप भी बस रहने दीजिए ना, शुरू होते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। अरे पढ़ता ही तो रहता है मेरा बेटा, आपको पता है आपके आने से पहले मैंने उसे कितनी बार खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो पढ़ने से नहीं उठा, उसने कहा पापा आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। तो मैं कोई फालतू बात कर रहा हूँ, माँ बाप का फर्ज बनता है ना बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाना। आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप इतना समझाएंगे तो उस पर सिर्फ दबाव पड़ेगा, आप उसका चेहरा नहीं देखते, आप रात को थोड़े से समय के लिए उससे मिलते और उसमें भी आप समझाते ही रहते, रहने दीजिए ना आप। तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ बहुत सख्ती से पेश आता हूँ, आने वाले कल में तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं सही था, जब ये एक बड़ा और काबिल डॉक्टर बनेगा, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। हेलो पवन, एग्जाम की तैयारी हो गई? नहीं यार, मुझे तो बोर्ड्स के रिजल्ट की टेंशन लगी हुई है, पता नहीं कल क्या होगा, फोन रखता हूँ, सोने दे मुझे। मम्मी मम्मी, ये लाइट कैसे चली गई, मेरा फोन था। मम्मी मम्मी मम्मी, पापा। आयुष बेटा प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। मम्मी ये लाइट कैसे चली गई थी? बेटा सब जगह की गई थी, पर हमारे पास इन्वर्टर भी है ना। वो मैंने इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालने के लिए स्विच ऑफ किया था दोपहर में, फिर ऑन करना भूल गई। मम्मी आपको मालूम है ना मुझे अंधेरे में कितना डर लगता है। मैं तेरे पास सो जाती हूँ, ठीक है? तो डर मत। नहीं मैं सो जाऊंगा, अब बस ध्यान रखना लाइट नहीं जानी चाहिए। अब नहीं जाएगी, मैंने इन्वर्टर ऑन कर दिया, ठीक है? इस लड़के का अंधेरे से डर खत्म ही नहीं हो रहा। तुम परेशान मत हो, समय के साथ इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। चल। तो आ जाएंगे ना, इससे कम नहीं आने चाहिए आयुष, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 90% मार्क्स चाहिए। आयुष जल्दी चले यार, लेट हो रहा है। हाँ हाँ चलना, ये ले। तुम भी ना मम्मी। मैं भी ना क्या, अरे शुभ होता है, आज तुम्हारा कोचिंग में टेस्ट है ना। मंथली टेस्ट है मम्मी। तो उसमें पास होना जरूरी नहीं, और तुम्हारे 12वीं के बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला है, है ना? हाँ वो तो है। फिर ये उसी के लिए,
पवन ये लो तो तुम भी खा लो। थैंक यू आंटी, मैंने ऑलरेडी खा लिया। एक्चुअली मेरी मम्मी आप ही की तरह है ना, तो सारी मम्मियाँ एक जैसी होती हैं। बस वो ये चाहती हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें और तरक्की करें। चल ना पवन, चलें मम्मी बाय। पवन आज रिजल्ट कितने बजे आने वाला? 12 बजे तक आ जाएगा अंकल। ठीक है आयुष, मैं चेक करके तुम्हें फोन करूँ। ठीक है चले। चल चल अच्छे से पेपर लिखना। मुजाहिद भाई ये रहे आपके पैसे। उस डॉक्टर को ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। बहुत ही जल्द तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी, जाओ। ठीक है जाओ जाओ आराम से। अरे यार थर्ड वाला ना छूट गया भाई, टाइम नहीं। थैंक यू। आज रिजल्ट है ना, तुम्हें डर नहीं लग रहा? लग तो रहा है पर पता नहीं क्या होगा। और तुम्हें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुमने देखा? देख रहा हूँ बेटा, एक सिम कॉलर है। हेलो, क्या रिजल्ट आ गया? ठीक है मैं देख रहा हूँ। देख भाई रिजल्ट आ गया यार। एक मिनट, सबसे पहले अपना बता रोल नंबर। तेरा देखता हूँ। 531-21। भाई तूने तो कमाल कर दिया यार। क्या हुआ, कितना आया? ये देख यार, ये तो 85% आया। हाँ तो जानबूझ के स्विच ऑफ किया आयुष ने फोन। टीम बच गए, आयुष अभी तक नहीं आया। फोन बंद है। हेलो जी आंटी। बेटा आयुष है तुम्हारे साथ? नहीं आंटी, क्या हुआ? नहीं वो अभी तक घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। हाँ आंटी, हम कोचिंग से साथ में ही निकले थे और फिर रिजल्ट भी चेक किया था हमने। लेकिन आंटी उसके बाद तो मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया था नोट्स लेने के लिए, और फिर आयुष अपने घर के लिए निकल गया था। हो सकता है किसी और दोस्त के पास चला गया हो। अच्छा बेटा, उसके दोस्तों का नंबर है आपके पास? आप फोन कर लो, नहीं तो मुझे नंबर दे दो, मैं फोन कर लूंगी। नहीं नहीं आंटी, मैं पूछता हूँ, उन सबसे पूछता हूँ। क्या हुआ? आयुष अभी तक घर नहीं पहुंचा है। कहाँ चला गया? पता नहीं, मैं पूछता हूँ उसके दोस्तों से। हेलो, हाँ सुमित। आयुष घर आया क्या? नहीं अभी तक नहीं आया, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हारे लाडले का रिजल्ट आया, सिर्फ 85% मार्क्स हैं। उसी वजह से फोन बंद किया होगा उसने। रिजल्ट के डर से नहीं, आपके डर से फोन बंद किया है। अरे ठीक है, मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे आ गए तो क्या हो गया, अपना बच्चा है। मुझे बहुत उम्मीदें थी आयुष से। उम्मीद तो मुझे भी थी, पर ये भी तो सोचिए ना कि रिजल्ट की वजह से वो भी तो परेशान होगा। और मैं कह देती हूँ, आप घर पर आकर उससे शांति से बात करिएगा, डांटिएगा मत उसको। ठीक है। जी, बच गए। हेलो पवन बेटा, कुछ पता चला? नहीं आंटी, आयुष किसी के साथ नहीं, मैंने सारे दोस्तों से पूछा। लेकिन आप परेशान मत होइए आंटी, शाम तक आ जाएगा। एक्चुअली वो आज रिजल्ट आया था ना, तो परसेंट कुछ कम आए थे, तो परेशान होगा। ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे बताना। जी जी मैं बताऊंगा।
मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, मम्मी इसने मुझे बहुत मारा है, प्लीज ये मुझे मार डालेगा, मम्मी प्लीज यहाँ आकर मुझे ले जाओ, ये जो बोलेगा इसकी सारी बात सुन लो मम्मी। आयुष का मैसेज, देख लिया ना अपने बेटे को, उसे कुछ मत करना, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। हम तुम्हें पैसे दे देंगे, बताओ कहाँ आना है। लेकिन अगर तुमने पुलिस को बताने की गलती की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। हम किसी को नहीं बताएंगे, बस हमारे बच्चे को कुछ मत करना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। हेलो हेलो मेरी आयुष, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हमारे आयुष ने किसी ने हमारे कर लिया। ये देखो मम्मी, मम्मी पापा प्लीज मुझे बचाओ, क्या क्या ये मुझे बोल मारा है, प्लीज और ये जो भी कुछ बोल रहा है ना सीधा ही बात करो। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, उसने मना किया। अगर हम पुलिस के पास गए तो हमारे बच्चे को कुछ कर देगा, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। उस 3 लाख रुपए मांगे, उसे 3 लाख रुपए दे देते, अपने बच्चे को वापस नहीं आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन पैसे लेके जाना कहाँ है? उसने बोला कि वो फोन करके बताएगा। मेरे बच्चे को बचा, मेरा बच्चा। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसी का फोन है। बताओ कहाँ लेके आने पैसे? अशोक नगर के पीछे एक टूटी हुई सड़क है, उसके आगे रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक को क्रॉस कर लेना और फिर वहाँ पर पहुँच जाना। हमारा बेटा वहाँ मिलेगा ना? पहले वहाँ पर पहुँचो फिर बताऊंगा। और हाँ, पुलिस को जरा सी भी भनक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा मैं। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा यकीन मानो, बस हमें अपना बच्चा सही सलामत चाहिए, उसे कुछ मत करना। पर यहाँ तो कोई नहीं है, अब क्या करेंगे? हेलो, जहाँ पर हो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ो, 2 मिनट आगे जाकर बाईं तरफ एक सुनसान रास्ता नजर आएगा, गाड़ी वहाँ पर रोक देना, उसके बाद वहाँ पर नीले रंग का एक कचरा का डब्बा होगा, पैसे उसी में डाल देना। सीधे नेहरू रोड पर जाकर रुकना, मैं तुम्हें फोन करूंगा और बताऊंगा आयुष कहां पर है। यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कुछ किया तो नहीं होगा? कुछ नहीं हुआ उसे, उसने कहा है ना वो हमें फोन करेगा। फोन। हेलो, जहाँ पर खड़े हो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ो, तीसरा राइट नजर आएगा, राइट लेते ही थोड़ा आगे जाओगे तो एक सुनसान घर नजर आएगा, वहीं पर मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा आयुष। Oh!
तकलीफ हो रही है, यही लग रहा। आयुष, 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 उसने यही जगह बताई थी ना। आयुष, 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 यार इतना अंधेरा, मेरे आयुष को अंधेरे से डर लगता है। आयुष, याद रख, आयुष, 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 उठ ना बेटा, आयुष, आयुष, कुछ बोल, आयुष, बोल ना, आयुष, 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 को खोलो, खोलो इसे, आयुष, 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 उठ ना बेटा, आयुष, कुछ बोल क्यों नहीं रही? आयुष के लिए उसके 12वीं के रिजल्ट का दिन उसका आखिरी दिन साबित हुआ। उसके माता पिता को उसका मृत शरीर मिला। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को मृत देखना सबसे दुखद होता है। आखिर वो कौन था जिसने आयुष को अगवा करके मार दिया था, और उसको अगवा करने के पीछे अपहरणकर्ताओं का मकसद क्या था? पुलिस के लिए ये केस बहुत ही पेचीदा था। क्या हुआ था डॉक्टर शेखर? आज सुबह आयुष अपनी कोचिंग क्लास के लिए घर से निकला, जब शाम को नहीं लौटा तो हमने ढूंढना शुरू किया। मुझे लगा कि जानबूझ के छुपा है, इसका फोन भी स्विच ऑफ था। आज इसका 12th बोर्ड का रिजल्ट आया था जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन जब शाम को अपहरणकर्ता ने मेरी पत्नी के फोन पे वीडियो भेजा तो वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। ये वीडियो आपको आयुष के मोबाइल से भेजा गया। सुरेंद्र सर, आयुष का नंबर नोट करो और इसके फोन की लोकेशन निकालो तुरंत। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नंबर बताइए। तो डॉक्टर शेखर, आपके कहने का मतलब ये है कि आयुष जब से क्लास के लिए निकला था तब से लेकर अब तक आपकी उससे कोई टेलीफोनिक बात नहीं हुई? सुधा ने आयुष के दोस्त पवन को फोन किया था, लेकिन उसने बताया कि उसे आयुष के बारे में कुछ नहीं पता। जब इतना कुछ हो ही गया था तो हमें भी इन्फॉर्म कर ही देते। हमने आपको इसलिए नहीं बताया, हमें लगा हम आपको बताएंगे तो अपहरण करता मेरे आयुष को कुछ कर देंगे। आयुष, आयुष। डॉक्टर शेखर, हमें बताइए कि आपका या आयुष का कोई ऐसा दुश्मन था जो आप दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या आपको किसी पे शक है? ये सब उसी ने किया। किसने? नितेश द्विवेदी। ये नितेश कौन है? उसका 18 साल का लड़का था, मैं उसे बचा नहीं पाया था तो उसने अस्पताल में तमाशा खड़ा कर दिया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो अपने बेटे की जान का बदला लेगा मुझसे। आज सुबह वो हमारे घर के आसपास घूम रहा था। ओके। हाँ सर, मैंने रिपोर्ट्स देख लिए सर, आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर, नितेश द्विवेदी की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है। इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नितेश द्विवेदी ने पिछले 2-3 दिनों में मुजाहिद पठान नाम के गुंडे से कई बार बात की है। उठा लो उसे। नितेश द्विवेदी, अपना बदला पूरा करने के लिए तूने डॉक्टर शेखर के लड़के आयुष को उठाया और फिर मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया। पता है नहीं किया मगर करवाया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में मुजाहिद का नंबर कहां से आया बे? किस बारे में बात की थी मुजाहिद से? देख, सब सच सच बता दे वरना मार मार के उगलवा लेंगे। सर, ये बात सच है कि मुजाहिद पठान को मैंने 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन डॉक्टर के बेटे को अगवा करने या मारने के लिए नहीं दिए थे। किस लिए दिए थे फिर? सर, मैं उस डॉक्टर को सबक सिखाना चाहता था। मैं बस चाहता था कि उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाएं। बस अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मुजाहिद पठान से खुद पूछ लो। सर, मार क्यों रहे हो साहब? मैंने क्या किया? सच बोल, नितेश द्विवेदी ने सुपाई दी थी ना आयुष की। ये आयुष कौन है? आयुष डॉक्टर शेखर का बेटा है जिसे पहले तूने उठाया, फिर उसकी माँ को फोन करके पैसे मांगे और पैसे लेने के बाद आयुष को मार डाला। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सच है कि नितेश ने मेरे को पैसे दिए थे, लेकिन उस डॉक्टर के हाथ पांव तोड़ने के लिए दिए थे। सर, मेरा यकीन करो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। सर, नितेश और पठान दोनों के बयान मैच कर रहे हैं। सुरेंद्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ने आपस में तय किया हुआ था कि अगर बात खुले और पुलिस के पास जाए तो पुलिस को ऐसा ही बयान देना है। एक काम करो, ये जो पठान है ना, इसके कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशंस दोनों निकलवाओ जल्द से जल्द। सर,
पवन, बेटा तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। देख, जो चला गया है वो लौट के तो नहीं आएगा। माँ, आयुष मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। आयुष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोन कॉल्स की डिटेल्स आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष की मौत रात 8:30 से 9:30 के बीच में हुई है सर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है सर कि आयुष की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई। दिल का दौरा? वो वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आयुष को बहुत मारा पीटा हो। ये मामला ज्यादा पेचीदा है। ये आयुष की लोकेशन डिटेल्स क्या कह रही है? सर, आयुष के फोन से पहला कॉल उसकी माँ को किया गया। देख लिया ना अपने बेटे को? उसे कुछ मत करना। उसके बाद उसके फोन की लोकेशन वही दिखा रहा था जहाँ पे हमें आयुष की लाश मिली थी। उसके बाद दूसरा कॉल भी उसी जगह से किया गया। अशोक नगर के पीछे एक टूटी हुई सड़क है, उसके आगे रेलवे फाटक है। और जब आयुष के मम्मी पापा पैसे देने गए उस समय आयुष के फोन की लोकेशन वही दिखा रहा था जहाँ पे फिरौती के पैसे रखे हुए थे। उसके बाद आखिरी फोन वहीं से किया गया जहां से अपहरणकर्ता ने फोन करके डॉक्टर शेखर को बताया कि आयुष को उसी घर में रखा गया है। उसके बाद से आयुष का फोन वहीं से बंद हो गया जो कि अभी भी बंद आ रहा है। सुरेंद्र, यह अपहरणकर्ता एक नहीं है, एक से ज्यादा है। एक ने फिरौती के पैसे लिए होंगे और दूसरे ने आयुष को हद से ज्यादा मारा होगा जिसके कारण उसे दिल का दौरा आ गया। ये पठान और नितेश मिलकर कर सकते हैं। सर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने उन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन की डिटेल्स निकाली है। उस समय उन दोनों की फोन की लोकेशन अलग कहीं बता रहे हैं। डॉक्टर शेखर से मिलते हैं एक बार। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आयुष को दिल की कोई बीमारी पहले से थी या नहीं थी। हमारे बेटे को दिल की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है डॉक्टर शेखर कि आयुष की मौत दिल के दौरे से हुई है। हमारे बेटे को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उस दिन जब हम उसे लेने गए तो वहाँ बहुत अंधेरा था। हमने खुद मोबाइल की लाइट में देखा कि वो डॉक्टर शेखर, ये केस पेचीदा होता जा रहा है। आपके कहने पे हमने नितेश को भी खंगाला, लेकिन उसके अनुसार वो आपको नुकसान पहुंचाने की नियत रखता था। उसने आयुष का अपहरण नहीं किया तो फिर हमारे बेटे को और कौन मार सकता? ये काम जिसने भी किया उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन इस केस के सिलसिले में हम आयुष के कुछ दोस्तों से मिलना चाहेंगे। तो आप उसके करीबी जितने भी दोस्त हैं उनकी जानकारी हमें दीजिए। जी कहिए। हमें पवन से बात करनी है आयुष के कत्ल के बारे में। अंदर आइए। पवन। हाँ माँ। वो पुलिस वाले आए हैं, आयुष के बारे में तुमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। पवन, हमें उस दिन की पूरी दिनचर्या बताओ। सर, उस दिन हमेशा की तरह मैं और आयुष साथ में क्लास गए थे और सर उसके बाद मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया था नोट्स लेने के लिए और फिर शाम को सर पता चला कि आयुष गायब है। उसकी मम्मी का कॉल आया था और फिर सर अगले दिन पता चला कि वो। इस दौरान तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि कोई तुम लोगों का पीछा कर रहा है या किसी ने तुम लोगों पे नजर रखी है? नहीं सर। आयुष का किसी से कोई झगड़ा हुआ था कोचिंग में या कोचिंग से बाहर? बेटा अभी तो हाथ उठाया है, किसी दिन दुनिया से उठा दूंगा साले तेरे को। सर, कुछ दिन पहले उसका राघव से झगड़ा हुआ था और सर राघव ने आयुष को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये राघव कौन है? सर, हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती है नेहा गुप्ता, जिसे आयुष बहुत पसंद करता था और सर नेहा भी पसंद करती थी उसे। लेकिन सर जब ये बात नेहा के भाई राघव को पता चली तो सर राघव आग बबूला हो गया सर और उसने एक दो बार उसके साथ मारपीट भी की थी।
रविंद्र, इस नेहा गुप्ता को और इसके भाई राघव को पुलिस स्टेशन बुलाओ। और हाँ, राघव की कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाओ अर्जेंट बेसिस पे। पता नहीं, ये केस मुझे कुछ और ही लग रहा है। सुन, तुझे ना जितना सिर्फ बोलना है उतना ही बोलना है, ना तो एक शब्द ज्यादा और ना ही एक शब्द कम, ठीक है? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं तो था ही नहीं यहाँ पे उस दिन। लेकिन आयुष का दोस्त पवन ने तो हमें बताया है कि तुमने आयुष के साथ मारपीट भी की थी और उसे मारने की धमकी भी दी थी। सर, मैंने उसे धमकी दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने उसे मारा। वो मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था और काफी बार समझाने के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था, इसलिए धमकी दी मैंने ताकि वो दूर रहे मेरी बहन से। क्या रिश्ता था आयुष और तुम्हारे बीच? सर, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आयुष दोस्ती से आगे बढ़ना चाहता था। और आप? मैं भी उसे सिर्फ दोस्त मानती थी और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती थी। और जब ये बात भैया को पता चली तो उन्होंने मुझे समझाया और मैंने आयुष से दूरी बनाना शुरू कर दिया। नेहा, क्लास के बाद मिल सकते हैं कहीं पे थोड़ी देर? आयुष, राघव भैया ने तुम्हें चेतावनी दी है हमसे दूर रहने के लिए। नेहा! लेकिन वो इस बात से मानने के लिए तैयार ही नहीं था और मुझे बार बार मना रहा था। नेहा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस बात का पता था कि आयुष को अंधेरे से डर लगता था? जी सर। और तुम्हें? नहीं सर, पर आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं। ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरे, कैसे चीजों को रखता है। अरे माँ, क्या कर रही हो? मैं कर देता हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अलमारी ठीक कर रही हूँ। अरे मैं कर देता हूँ, छोड़ो ना। ला बेटा, मैं कर देती हूँ। अरे तुम छोड़ो, रहने दो। ऐसे कोई रखता है क्या अलमारी को? कितनी बार समझाया तुझे, तू वही काम करता है। टाइम ही नहीं मिला, तुम जाओ ना, दे दो कुछ ठीक से कर लेना। हाँ कर दूंगा। सर, कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन के हिसाब से नेहा का भाई राघव इस केस में शामिल नहीं लग रहा है। उसके फोन की लोकेशन ये बात साबित करती है कि वो उस दिन शहर में था ही नहीं। तीन दिन हो गए सुरेंद्र, इस केस में हमारे यहाँ एक सुराग नहीं लगा। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आयुष के अपहरणकर्ता का आखिर मकसद क्या रहा होगा। सर, अपहरणकर्ता को क्या चाहिए, पैसे? नहीं, इतने बड़े डॉक्टर के बेटे का अपहरण करने के बाद सिर्फ 3 लाख रुपए मांगे, चाहते तो ज्यादा भी मांग सकते थे। मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें इतना यकीन कैसे था कि सिर्फ अंधेरे की डर की वजह से आयुष की जान निकल जाएगी। सर, लेकिन इतना तो तय है, वो जो भी था आयुष को नुकसान पहुंचाना चाहता, क्योंकि उसने जिस तरह से आयुष को मारा है उससे देखकर यही लगता है कि वो आयुष से बहुत ज्यादा नफरत करता। नहीं, मैं बोलता हूँ। बैग यहां पर नहीं रख सकता, मां को पता चल जाएगा। क्या हो रहा है ये?
हेलो पुलिस, नमस्ते साहब। फोन तुमने किया था? हाँ साहब। क्या देखा? साहब मैं अपनी ये साइकिल चलाते हुए इधर से जा रहा था तो अचानक से इसका चैन उतर गया और मैं इसको चढ़ाने के लिए नीचे उतरा, चढ़ा के बस चलने वाला था तो एक लड़का दिखा साहब वहाँ उस तरफ वहाँ पे तो कुछ दफन कर रहा था साहब। चलो आइए साहब। साहब हम तो डर के मारे नीचे भी नहीं आए, हो सकता है शायद वो कोई लाश वाश दफन कर रहा हो, इसलिए हमें आपको फोन करना मुनासिब लगा तो फोन कर दिया। सही किया। यही जगह है साहब। खोदना शुरू करो। इसमें तो कैश है और देखो क्या, और एक फोन भी है। कैश गिनो। हाँ ये तो आयुष है। पैसे कितने? सर ये टोटल 3 लाख है। 3 लाख? फिरौती के लिए भी इतने ही पैसे मांगे गए थे? हाँ सर इतने ही मांगे गए थे। गाड़ी रखो। जिस आदमी ने इसे यहाँ पे दफन किया था उस आदमी को पहचान लोगे? मैं दूर था साहब तो थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करो, सारी फोटो दिखाओ इसे। ये देखो ये था। नहीं साहब ये भी नहीं था। ध्यान से देखो। नहीं था साहब। ये था? कौन हो सकता है फिर साहब? एक मिनट फोन दिखाइए। ये साहब ये वाला लड़का था साहब, ये इधर वाला। देखो पवन, मैं किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के मूड में नहीं हूं। अब जल्दी से ये बता दो कि क्यों किया तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड का अपहरण और फिर हत्या? सर आयुष ने अपना अपहरण खुद प्लान किया था जिसमें मैंने उसका सिर्फ साथ दिया था। ऐसा क्यों? सर उस दिन हमारे 12th क्लास के रिजल्ट्स ऑनलाइन आए थे सर। अरे यार तू समझ नहीं रहा है, 85% आए हैं। अरे यार तो 85% कम होते हैं क्या? अरे यार पापा नहीं मानते ना यार, बार बार बोलते रहते 90% चाहिए 90%। देख टेंशन मत ले, मार्क्स जो है ना थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, तू देख मेरे खुद 70% आए हैं यार। नहीं यार मैं घर नहीं जा सकता यार, वो ना मेरा जीना हराम कर देंगे। मेरा तो मन कर रहा है मैं घर से कहीं भाग जाऊं। तो क्या बोल रहा है यार तू, मेरे पापा हैं वो। अरे यार पापा नहीं मानेंगे यार, बोलेंगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना था, निकम्मा है नकारा है। यार एक काम करते हैं ना, मेरे अपहरण का नाटक करते हैं। क्या बोल रहा है यार तू? हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ यार, मेरे पास एक ही चारा है, तू ना मेरे को कहीं पे छुपा दे और मेरी माँ को फोन करके बोल कि मेरा अपहरण हो गया है। और जब वो लोग मेरे को ले जाएंगे ना तो कुछ दिनों तक ना तो पढ़ाई की बात होगी ना रिजल्ट की। यार ये सब इतना आसान नहीं है, फंस जाएंगे अगर किसी को कुछ भी पता चला। अरे यार तू मेरा दोस्त है, इतनी मदद नहीं कर सकता तू मेरी। लेकिन अगर अंकल आंटी ने पुलिस को फोन कर दिया तो? अरे नहीं जाएंगे यार, तू मेरी माँ को डराना, बोलना अगर पुलिस को कुछ बोला ना तो उसको मार देंगे। कितने पैसे मांगे फिरौती के लिए? तू मांग ले यार जितने भी मांगने हैं। ठीक है 3 लाख मांगते है ना, मेरे घर में थोड़ा मेरे माँ को चिंता रहती है मेरी पढ़ाई को लेकर, तो पैसे काम आ जाएंगे और फिर हम भी यूज करेंगे ना यार उसे। हाँ यार हा? मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू मेरी मदद कर। सर आयुष बहुत डरा हुआ था सर,
उसे यकीन था कि उसके पापा उसे बहुत डांटेंगे और कोसेंगे। और फिर सर, आयुष के प्लान के हिसाब से हम एक सुनसान घर पहुंचे। वहां का ताला तोड़ा हमने और सर वहां की लाइट्स भी चेक करी सर। सर उसके बाद मैं आयुष को छोड़कर अपने घर आ गया और आंटी को फोन पे बताया कि मैं नोट्स लेने गया था अपने दोस्त के यहाँ। सर उसके बाद मैं फिर वापस आयुष के पास गया सर वीडियो बनाने के लिए। क्या कर रहा है? टाइट बांधना। टाइट ही है यार, इससे टाइट नहीं होगा। चल रुक एक मिनट, अच्छे से बनाइयो, अच्छा लगना चाहिए। बोलूं? हाँ चल बोल। मम्मी पापा यहाँ यहाँ आके इसने मुझे बहुत मारा है प्लीज, और ये जो भी कुछ बोल रहा है ना इसकी सारी बात मान लो और मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। देख नहीं यार, ऑर्डर दिखना चाहिए। अरे तो एक्सप्रेशन तो तुझे ही देने हैं ना यार। तू एक काम कर, मुझे थप्पड़ मार। क्या? हाँ और एक नहीं चार पांच मार, समझना यार, डर दिखना चाहिए। पागल हो गया? लग जाएगी यार तुझे। नहीं तू मार। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा, बहुत मारा इसने मुझको। और ये जो भी कुछ कह रहा है मुझे प्लीज अभी आके ले जाओ, सब दे देना इसको। दिखा ये थे। अब ठीक है? हाँ अब तू एक काम करना, ये वीडियो मेरी माँ को भेज और फोन करके डरा, दूसरी आवाज में बात करना, ठीक है? चल ठीक है सर। वीडियो बना के सर मैंने वो सुधा आंटी को सर भेज दिया था और सर फोन पे मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, बताता हूँ। लेकिन अगर तुमने पुलिस को बताने की गलती की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। फिर सर प्लान के हिसाब से मैंने आयुष को वहीं पर बांध दिया था। बांधने के बाद सर मैं चला गया सर पैसे लेने। पैसे लेने के बाद मैंने आंटी को उस जगह का पता बता दिया जहां पर आयुष बंधा हुआ था। जहां पर खड़े हो वहां से थोड़ा आगे बढ़ो, तीसरा राइट मिलेगा, राइट लेते ही आगे जाओगे तो एक सुनसान घर नजर आएगा, वहीं पर मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा आयुष। सर उसके बाद सर मैं घर चला गया था अपने उसी रात सर। और फिर सर अगली सुबह सर मुझे पता चला कि बिजली जाने की वजह से अंधेरा हो गया, जिससे आयुष बहुत बुरी तरह से डर गया, उसे दिल का दौरा आया, उसकी मौत हो गई। गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर आयुष की बात नहीं माननी चाहिए थी सर, बिल्कुल भी सर, मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी सर। सर अगर उसकी बात नहीं माना होता ना तो जिंदा होता सर आयुष आज। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि आयुष को अपने डर और अपने अंधेरे के फोबिया के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि आयुष ने अपने पिता के डर से अपहरण का नाटक किया था। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनकी संतान जिंदगी में बहुत तरक्की करे, हर माता पिता को अपनी औलाद से अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कहीं उन अपेक्षाओं के बोझ के तले हमारी संतान दब ना जाए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी से विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक घटना के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।